कृष्णनगरी मथुरा में दो दिवसीय पर पहुंचे ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। उसी दौरान मंत्री ने गणेशरा स्टेडियम में 89 लाख रुपए की लागत के विकास कार्यों का शिलान्यास किया, साथ ही जनता दरबार लगाकर फरियादियों की समस्याएं सुनी। दुनिया के अंदर जितने भी इवेंट्स होंगे उनमें जो हमारा टास्क फोर्स जो बना है उसके माध्यम से बेहतर सुविधाएं हमारे प्लेयर्स को मिले और अच्छे कोचेस मिले, उनको जहाँ जहाँ डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ वो ट्रेनिंग लेते हैं वहाँ उनको अच्छी सुविधाएं मिलें, इस तरह का प्रयास हमारी उत्तर प्रदेश सरकार का भी है और केंद्र से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी योगी जी की सरकार हर जिले में कैसे हम बेहतर सुविधाएं अपने नौजवानों को स्पोर्ट्स जो खिलाड़ी हैं हमारे उनको दे सकें, तो उसी के क्रम में ये एक प्रयास है सरकार का। ये जो हमारा स्टेडियम है यहाँ पुराना स्टेडियम है, इसको थोड़ा हम लोग रेनोवेट भी कर रहे हैं, यहाँ जो कमियाँ हैं जिन गेम्स की उन गेम्स को भी यहाँ हम लोग प्लेयर्स के लिए उपलब्ध करा रहे हैं, जैसे टेनिस यहाँ नहीं था तो टेनिस अब शुरू हो जाएगा, अभी यहाँ जो रेसलिंग के लिए हमारे यहाँ मैट नहीं है उनकी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, टेनिस का जो हमारा ये बैडमिंटन का जो कोर्ट है उसकी स्थिति भी ठीक नहीं है, उसको भी हम लोग रेनोवेट करा रहे हैं, स्विमिंग पूल जो आपके पीछे है इसको भी हम लोग रेनोवेट करा रहे हैं, तो आने वाले वर्ष में यानी कि इस वर्ष के अंत तक यहाँ हमारे मथुरा जिले के सभी बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग मिले ऐसा प्रयास हमारी सरकार का है। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने विकास कार्यों का शिलान्यास कर बताया कि टेनिस कोर्ट, हाई मास्क, लाइट और महिला पुरुषों के लिए अलग अलग शौचालय का निर्माण कराया जाएगा। उसी दौरान कहा कि बच्चों के खेलने के लिए प्रत्येक तहसील में भी स्टेडियम का निर्माण जल्द ही कराया जाएगा, जिससे हर बच्चों के स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने के मौके मिल सके। जिसके बाद ऊर्जा मंत्री ने जनता दरबार लगाकर फरियादियों की समस्याओं को सुनकर समस्याओं का निस्तारण कराने के दिशा निर्देश दिए।